नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रकाश पैराडाइज। एमजी ने एस्टर में पर्सनलाइजेशन को लेके काफी यूनिक चीजें इंट्रोड्यूस करी हुई हैं, और वन ऑफ सच थिंग इज द वेलकम मैसेज। अगर हमने वेलकम मैसेज को देखा होगा तो उसमें वो बहुत ही यूनिक सी सेइंग्स बोलता है। जो मुझे अभी याद आ रहा है वो है हैव फन एंड हैव अ ग्रेट डे। ऐसे करके वो आपके मूड को थोड़ा सा स्पेशल करने की कोशिश करता है। बट उसी वेलकम मैसेज में एक और ऑप्शन है कि आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, और आज मैं इसी पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ एंड आई विल शो यू कि आप उसको कस्टमाइज करके किस किस तरीके से उसको आप एकदम यूनिक और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। वेलकम मैसेज के ऑप्शन में जाने के लिए सबसे पहले आपको होम बटन दबाना होगा। होम बटन दबाने के बाद आपको मोर में जाना पड़ेगा, फिर आएगा ऑप्शन एस्टर, इस पर आप टैप करेंगे और एस्टर में वॉइस सेटिंग्स में जाके नीचे की ओर आपको आ रहा है मोड। मोड में देखिए दो ऑप्शन हैं, रैंडम और दूसरा है कस्टम। अभी मैंने इसमें कस्टम्स में लिखा हुआ है हेलो वेलकम टू प्रकाश पैराडाइज। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये कितना साफ इस स्टेटमेंट को बोलता है। अब प्रकाश एक हिंदी वर्ड है तो आई एम नॉट श्योर कि वो इंग्लिश में उसको किस तरीके से प्रोनाउंस करेगा। गाड़ी इस समय कम्प्लीटली ऑफ हो चुकी है और हम गाड़ी में बैठ के इस स्टार्ट बटन को टैप करते हैं। हेलो वेलकम टू प्रकाश पैराडाइज। मेरे हिसाब से इसने वेलकम टू प्रकाश पैराडाइज अच्छा बोला, बट अब हम इसको और चेंज करके देखते हैं और हम इसमें यूनिक चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। आई पर्सनली फील कि अगर आप इस ऑप्शन में जाकर वॉइस सेटिंग्स में कस्टम मैसेजेस में कुछ स्पेशल डालना चाहें, जैसे कि आप लिख देते हैं हेलो वेलकम टू एमजी एस्टर, वेलकम टू एमजी एस्टर, ड्राइव सेफ, योर फैमिली इज वेटिंग एट योर होम। अब गाइज, जब इस मैसेज को जब ये कार बोलेगी तो आई एम श्योर कि आप अगर काफ़ी ज़्यादा ड्राइविंग एंथुजियास्ट होंगे तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देकर गाड़ी को चलाएंगे। तो चलिए इसको मैंने लिख दिया है, अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं कि ये कैसा बोलता है। हेलो वेलकम टू एमजी एस्टर, ड्राइव सेफ, योर फैमिली इज वेटिंग एट योर होम। अभी हमने देखा एक सेकंड स्टेटमेंट को लगाकर कि कितनी साफ तरीके से एमजी एस्टर ने इसको बोला है। तो आई थिंक इसको आप बहुत ही यूनिक तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपके साथ कोई ड्राइव पे जाता है और उस इंसान का बर्थडे है, तो आप इस कस्टम मैसेजेस में जाकर इसमें एक आप लिख सकते हैं हैप्पी बर्थडे टू दैट पर्सन, और जब ये बोलेगा तो आई एम श्योर कि उस इंसान को बहुत पसंद आएगा। एक और यूनिक आइडिया मेरे दिमाग में आया, वो ये है कि सपोज़ यू हैव चिल्ड्रेन एट योर होम और उनका एग्ज़ाम है और आप अपनी कार से उनको ड्रॉप करने जा रहे हैं एग्जाम वाले दिन, तो आप उसमें कस्टम मैसेज में लिख सकते हैं गुड लक टू यू, और आप अपने बच्चे का नाम लिख दीजिए एंड योर चाइल्ड विल रियली फील हैप्पी अबाउट इट। तो आई थिंक दीज आर फ्यू वेज जिससे कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं एंड एक सेंस ऑफ एंगेजमेंट रहेगा ऑल द टाइम दैट यू आर रियली इन्जॉइंग दिस कार। कल ही मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा था और जब मेरी कार ने बोला हेलो वेलकम टू प्रकाश पैराडाइज, ही गॉट रियली लाइक इम्प्रेस्ड कि भाई ये कहाँ से बोल रहा है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। तो आई थिंक दिस यूनिकनेस ऑफ एम जी एस्टर इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड आई एम रियली इन्जॉइंग इट। पहले मैंने इसको यूज़ नहीं किया था, आई थॉट क्या ही कस्टम मैसेजेस लगाए जाए, बट अभी जब मैंने इसको लगा दिया है और जब ये बोलता है इट फील्स रियली गुड। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी नाइस फीचर। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा जिनको आपको ध्यान में रखना है जब आप कस्टम मैसेजेस डाल रहे होंगे। इससे क्या होगा कि ये जब वो बोलेगा तो थोड़ा साफ और अच्छे से बोलेगा। पहली चीज़ ये है कि जब आप इसमें मैसेज लिख रहे होंगे तो यू हैव ओनली 150 letters to write, तो आप उसे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं एंड यू डोंट हैव टू यूज़ सिम्बल्स। अगर आप मान लीजिए सिम्बल्स यूज़ करेंगे तो वो इसको रिकोगनाइज नहीं करेगा और इवन एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए मैं अगर मान लीजिए कि एक्सक्लेमेशन लिखता हूँ, द मैसेज शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर और सिम्बल्स, तो इसका मतलब है कि आपको स्पेशल कैरेक्टर्स या सिम्बल्स नहीं यूज़ करना है, बस आपको वर्ड्स यूज़ करने हैं। वन अगर आपको बुलवाना है तो ओ एन ई करिएगा रादर देन जस्ट राइटिंग वन। चलिए ये भी इस चीज़ को ट्राई कर लेते हैं, अगर आपको मान लीजिए लिखना है 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 2 3 4 5 6 बोलता है कि नहीं, 8 9 0, लेट्स ट्राई 1 2 3 4 5 6
तो गाइज अभी हमने देखा कि किस तरीके से ये नंबर्स को भी कितना साफ साफ से बोलता है। एक और कस्टम मैसेज है जो मैं ट्राई करने वाला हूँ और आपको मैं खुद सुनाऊंगा इसे। सब्सक्राइब टू प्रकाश पैराडाइज। सो गाइज अब तो MG Aster ने भी बोल दिया है कि सब्सक्राइब टू प्रकाश पैराडाइज। तो आप गाइज डू डेफिनेटली मेक श्योर कि आप MG Aster की बात को जरूर माने और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव इट डन ऑलरेडी। आई वुड लव टू नो फ्रॉम यू कि आप इस कस्टम मैसेज को किन किन यूनिक तरीके से यूज करेंगे इन ऑर्डर टू मेक योर कार मोर पर्सनलाइज्ड। ओवरऑल आई रियली लाइक दिस फीचर, दिस इज एक्चुअली ब्रिंगिंग अ स्माइल ऑन माई फेस। नॉर्मली जब हम कार कोई ओन करते हैं तो उसमें जो वेलकम मैसेज होता है वो बहुत ही बेसिक होता है, बट इसमें क्योंकि आप कस्टमाइज कर सकते हैं सो यू कैन एक्चुअली मेक दिस कार योर पर्सनल मोर यूनिक कार। तो आई थिंक इट इज़ अ नाइस फीचर। एंड गाइज आपको कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो।